फ्रेंड्स आरआरबी जेई में 14,000 पोस्ट पर भर्ती आई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ आरआरबी जेई के बारे में। डिप्लोमा के स्टूडेंट और बीटेक के स्टूडेंट सभी के लिए एक बड़ा मौका है, आप सभी लोगों के लिए। इंजीनियर के लिए एक बड़ी भर्ती है। तो देखिए इस वीडियो में एज और एग्जाम पैटर्न और सैलरी कितनी होगी, इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी एक बहुत ही मस्ट टॉपिक है। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। देखिए नेम ऑफ द पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो रेलवे आरआरबी जेई की एक पोस्ट है जिसकी जो नोटिफिकेशन आई है 26 दिसंबर 2018 यानी कि कल शाम को 5:51 पर यह पोस्ट जारी कर दी गई है रेलवे के ऑफिशियल साइट पर। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये 26 दिसंबर गवा चुकी है और इसकी जो फॉर्म की डेट है वो आपको बता दूंगा अगली स्लाइड्स में। देखिए शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जान लीजिए कि रेलवे इक्विपमेंट बोर्ड है तो इसने एक पोस्ट निकाली आरआरबी जेई की सभी इंजीनियर्स के लिए। देखिए एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है वो 2 जनवरी 2019 से, यानी कि एक न्यू ईयर पे आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तोहफा है आप सभी लोगों के लिए, जो कि लास्ट डेट भी है इसमें 31 जनवरी 2019, यानी कि पूरे 29 दिन का समय दिया गया है। फीस जमा कराने की डेट जो है 5 फरवरी तक, यानी 5 फरवरी तक आप इसकी फीस को जमा करा सकते हैं। एग्जाम डेट अभी तक बताया नहीं गया है, यानी नोटिफाइड जल्दी कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं और कुछ बेसिक जानकारी बात कर लेते हैं। फीस जो इसकी 500 रुपये है और SC ST की 250 रुपये है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात करें कि 500 रुपये में 400 रुपये जो है वो फीस रिफंड हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, एग्ज़ाम होने के बाद आपकी फीस जो है रिफंड हो जाएगी। आपको वीडियो के एंड में मैं बताऊँगा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखिए वैकेंसी डिटेल है, 14,033 पोस्ट है, यानी कि बहुत ही बड़ा मौका है आप सभी स्टूडेंटों के लिए। एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो डिग्री या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि आपके डिप्लोमा कंप्लीट होने चाहिए चाहे कोई भी बोर्ड से हो, तो एक रेलवे में बड़ी भर्ती आप सभी लोगों के लिए। देखिए पोस्ट की बात कर ले तो जूनियर इंजीनियर की 13,034 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर IT के लिए 49 पोस्ट है और डिपोट मटेरियल के लिए 456 पोस्ट है, केमिकल के लिए एक पोस्ट है, यानी कि बहुत ही अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट जो है वो जूनियर इंजीनियर के लिए है। एलिजिबिलिटी आपको बता दी है कि इसमें आपका डिप्लोमा या फिर कोई भी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अब चलिए एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देते हैं, जो कि 2014 में इसका लास्ट एग्जाम हुआ था उसी हिसाब से पैटर्न जो है कैसा था। बाकी रेलवे ग्रुप डी ने बताया नहीं है कैसा होगा। 150 क्वेश्चन थे जिसमें 90 टेक्निकल क्वेश्चन थे और 60 नॉन टेक्निकल, और सैलरी जो थी वो 7th ग्रेड पे जो है इस बार मिलने वाली है, यानी कि सैलरी ठीक ठाक अच्छी मिल जाएगी। बाकी रेलवे की जो आप सभी को पता है कितनी अच्छी होती है। चलिए देखिए अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ के लिए। तो देखिए मेरे को एक सजेस्ट कीजिए, यानी कि मुझे इस वीडियो में सजेस्ट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको हमारे जो चैनल है अच्छा लगता है, और साथ ही साथ क्या आपको आरआरबी जेई की तैयारी करवाई जाए कि नहीं करवाई जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखिए आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।